गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है संडे 26 अप्रैल। तो पिछले दो दिन से हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। कर करके भर दिया मैंने पूरा कैमरा, पूरा गैलरी भर दिया, पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो हमारे जो तो भैया आपू खालूनी খালামণিরা আসো, সবাই এদেরকে বলি শুভ রমজান। তো তোমরা সবাই মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া চাইবে আমরা যেন আগের মতো সুস্থ সবল জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি, আমরা সবাই আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারি, সবাই সবার সঙ্গে দেখা করতে পারি, মিলামিশা করতে পারি। আমরা যেন আমাদের ছেলে মেয়েরা আবার আগের মতো সুস্থ সবল জীবন নিয়ে আবার যেন স্কুলে পড়াশুনো করতে পারে, আমরা সবাই সবার মতো ইচ্ছা মতো যেন বাঁচতে পারি। ঠিক আছে, একটু বেশি বেশি করে দোয়া করবে আমাদের জন্য। তো আর এখন তো আপ যাওগি মে কিচেন মে চিকেন তন্দুরি বানানে। তো চিকেন তন্দুরি বানানে কে লিয়ে চিকেন কো ম্যারিনেট করা জরুরি হ্যাঁ। तो मैंने कैसे चिकन को मैरिनेट करके रखा है वो देखने के लिए चलना होगा नीचे। और बिना माइक्रोवेव, बिना तंदूर, मतलब ना तंदूर ना माइक्रोवेव के बिना मैं कैसे चिकन तंदूरी घर पे बना खिलाती हूँ मेरे बच्चों को वो देखना। चलो पहले चिकन को तो मैंने मैरिनेट करके रखा वो देखो, उसके बाद बाकी की प्रोसेस। तो चिकन मैंने कहा था ना मैरिनेशन करके रखना है, कैसे रखना है तो देखो, इसको अच्छे से धो के देखो, थोड़ा छोटा छोटा कट लगा लिया हड्डी तक, ताकि इसमें अच्छे से मसाला घुस जाए अंदर तक। अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। नमक 2 बार डाला है ना, तो पहली बार थोड़ा डाल रही हूँ और अगले बार जब मैरिनेशन फाइनल लुक मतलब कोटिंग होगा तब जाके थोड़ा और डाल देंगे। नींबू का रस 1 नींबू पूरा दे दिया इसमें। अब इसको अच्छे से मिला के, इसकी जो कट लगाया कट के अंदर अंदर अच्छे से मसाला उंगली से दबा दबा के घुसाना है, और कम से कम 20 मिनट के लिए इसको ढक के रेस्ट पे रखना है। अच्छा, मतलब अच्छे से इसके अंदर भरना है सारा मसाला जो डाला है मैंने। इसको 20 मिनट तक रख के ढक के रख दूंगी, उसके बाद जो बाद बाकी मसाला ऐड करूंगी वो देखना। मैं ज़्यादातर ऐसे ही बना के खिलाने की कोशिश करती हूँ बच्चों को घर में, बच्चे खुश होके खा लेते हैं। तब इसको ढक देती हूँ, बदवा की बाद में देखो। चलो हो गया 20 मिनट। अब आया दूसरा मैरिनेशन की, मैरिनेशन की बारी। अटकने वाली कल अटक जाती है बात। अभी मैरिनेट करके रखते हैं। देखो मसाला, चिकन तंदूरी मसाला, चाट मसाला 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, क्योंकि मेरे बेटा ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता ना, तो उसके लिए थोड़ा कम कम डाला है। काली मिर्च 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये जो दही लाए ना बिल्कुल पानी पानी सा, सन्नी में रखा तो था पर ज़्यादा गाढ़ा नहीं बना पाई, इतना ही दही जितना गाढ़ा हुआ उतना ही अच्छा है। इसमें किसी तरीके का कोई पानी मतलब लिक्विड टाइप का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, एक नींबू की रस के अलावा। हल्का सा फूड कलर डाल दिया, क्योंकि इसमें हल्दी तो पड़ेगा नहीं, सफ़ेद सफ़ेद अच्छा भी नहीं लगेगा ना देखने में। ज़्यादा नहीं डाला, हल्का सा डाला ताकि हल्का थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज दिखने लगे। ये देखो इसको अच्छे से मिला के थोड़ा सा सरसों तेल ऐड कर दूँगी, तो इसमें अच्छे से झाज बन जाएगी सरसों के तेल की।
ये लो अब एक एक करके हम चिकन के पीस उठा के उसको अच्छे से उसके अंदर मसाला घुसा के मैरिनेट करके रखना है। मैं जब बात करती हूँ ना मेरे बात बीच बीच में अटक जाती है, मेरे बातों को इग्नोर कर देना, मेरी रेसिपी फॉलो करना, ठीक है, और इन्जॉय करना। दो दिन से हमारा नेट नहीं चल रहा था इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अभी रात बज रहे रात की 9:30, अभी हमारा वाईफाई काम करने लगा तो सोचा अभी अपलोड करके डाल दूँ आप लोगों के लिए। मुझसे रहा नहीं जा रहा था बिना नेट की, जब वीडियो को अपलोड करूँ, मेरे वीडियो में किसी किसने कमेंट्स लिखा, क्या करा, देखने का बड़ा मन कर रहा था। 3-4 फ्रेंड है ना, अच्छे अच्छे कमेंट लिख के छोड़ दिया मेरे को। अब देखने से पता लगा जी इन्होंने मुझे सुबह कमेंट लिख लिख के छोड़ दिया और मैं उनका चेक नहीं कर पाई। वो भी देख रहे होंगे यार कमेंट्स तो लिखा है, कोई रिस्पांस तो दिया ही नहीं इन्होंने। तो कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा उन लोगों की कमेंट की रिप्लाई। देखा अच्छे से सब भर भर के, मतलब इस मैंने वीडियो को भगाया नहीं, इसलिए टाइम लेके देखो इसमें क्या क्या पड़ता है। जिनको पता है उनको तो भाई पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए तो देखना ज़रूरी है। तो देखो मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे करती हूँ, जैसे भी करती हूँ बहुत टेस्टी बनती है। मेरे बच्चे तो बहुत खुश होके खाते हैं। मेरे बेटी को कहती बाहर का अच्छा है घर का अच्छा है, कह रहे मम्मी मैं बाहर का तो खाती हूँ पर घर का ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हो गया, इसको भी ढक के रख देते हैं। कम से कम आ गए हम लौट के 5 घंटा बाद। इसको हमने दोपहर की 3 बजे मैरिनेशन करके रखा था और बज रहे थे तब 7 बज रहे थे। 4-5 घंटा बाद ही लौट के आए। अब इसको पकाने की बारी है। तो तंदूर में ना ओवन में ना तंदूर में, नॉन स्टिक की कढ़ाई में कैसे बनाती हूँ चलो वो देखते हैं। आसान तरीका, बिल्कुल आसान, जिसको नहीं आता वो भी एक बार में सीख जाओगे कर लोगे। मुझे भी कहाँ आता था, मैंने भी किसी का रेसिपी फॉलो करा देख के तभी मुझे आया। कढ़ाई रख दिया, थोड़ा सा डाल दूंगी सरसों का तेल। आप इसमें बटर भी डाल सकते हो, रिफाइंड वाली भी डाल सकते हो, पर मुझे ना सरसों का तेल में अच्छा लगता है, झाज बन जाता है, अच्छा सा लगता है बिल्कुल चटपटा। तेल गर्म हो गया, अब इसमें 4 पीस है, 2 पीस अभी डाल दूंगी, 2 पीस बाद में, 2 से ज़्यादा आ नहीं पाएगा इसमें। तो ये डाल दिया, 10 मिनट बाद इसको पलटना पड़ेगा, कम से कम आधा ढंग घंटा लगेगा इसको हाई टू लो फ्लेम में, आधा घंटा लगेगा कम से कम इसको पकाने में। धीरे धीरे 10 मिनट बाद इसको पलट पलट के देखना होगा कैसे पक रहा है, क्योंकि 4-5 घंटा हो गया इसको पकने में टाइम नहीं लगेगा। ये देखो एक साइड से दिखा देती हूँ, देखो कलर चेंज होने लगा है ना, ऐसे धीरे धीरे करके 4-5 बार इसको पलटना है। पहले तो 10-10 मिनट बाद और बाद में जाके 5 मिनट 4-5 मिनट बाद पलटना है जब पकने लगेगा बिल्कुल। ये देखो लग रहा है ना देखने में झकास, तो मेरा ये पक चुका है। तो सोच रही 2-4 मिनट और पका लूँ दूसरी तरफ से, फिर दिखाती हूँ फाइनल लुक। धीरे धीरे करके थोड़ा सा 4-5 मिनट और पका लूँ फिर दिखाती। ये देखो बन गया, लग रहा है ना देखने में। ये सलेट काट लिया, हरा चटनी और चिकन तंदूरी 2 पीस बन गया और 2 पीस मैंने बनने के लिए रख दिया कढ़ाई पे। देखो कितने अच्छे से पक गया। चलो अब मेरे बेटे को तो रहा नहीं जा रहा है,